गाइस, जब भी मस्टिफ डॉग ब्रीड की बात आती है तो इस ब्रीड को हम लोग कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मस्टिफ का नाम आते ही हमें याद आता है बुल्ली कुत्ता, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज की डॉग ब्रीड है और काफी पावरफुल एंड रफ एंड टफ भी होते हैं। तो आज बात करेंगे इसी डॉग ब्रीड के बारे में, आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इस ब्रीड को परचेज करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं कि कल की जो हमारी संडे स्पेशल वीडियो है ना, वो शायद आप लोगों को सुबह के टाइम पे देखने को मिले, क्योंकि भाई कल डॉग शो है तो मैं वहां पर विजिट करूंगा, तो दिन में आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं आ पाएगी। और गाइस, डॉग शो की वीडियो ना आप लोगों को हमारे दोनों चैनल पर मिलने वाली है, इस चैनल पर भी और एना वाले चैनल पर भी, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि इस टाइप के डॉग्स को परचेज करने के आप लोगों को फायदे क्या क्या होते हैं। वैसे मैं सिर्फ बुल्ली कुत्ता के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि चाहे वो कोई भी डॉग ब्रीड हो, क्योंकि सेमी एडल्ट डॉग्स को परचेज करके आप लोग बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, काफी भाग दौड़ बचा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम होता है। तो रोज रोज आप लोग डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काट सकते, क्योंकि इस एज के जो डॉग्स होते हैं ना वो कंप्लीट वैक्सीनेटेड होते हैं। और काफी सारी फैमिलीज तो ना भाई इसलिए परेशान हो जाते हैं कि छोटे पपीज जो है वो कहीं पर भी सुसु या पोटी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन सेमी एडल्ट डॉग्स में आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आने वाली। वैसे ये जो पपी है ना काफी अच्छी क्वालिटी में है और रेड नोज में है, और आप लोग इसकी हाइट और हेल्थ देखिए, आप लोगों को काफी पसंद आएगी। वैसे एक चीज आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ओनर कहना कि इसके जो मदर फादर की फोटो वीडियोज है ना वो आप लोगों को पर्सनली मिल पाएंगी, तो अगर आप लोग उन्हें देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट जरूर कर ले। वैसे भाई बुल्ली कुत्ता में पेरेंट्स देखना काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि उसके भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि जिस पपी को आप लोग परचेज करे हो उसकी हाइट किस लेवल की जाएगी। और इस ब्रीड में हाइट मैटर करती है, क्योंकि इस ब्रीड में 28-29 इंचेस से लेकर 37 इंचेस तक भी हाइट हो जाती है, जो कि जब आप लोग लाइव देखोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार बुल्ली कुत्ता इतने हैवी होते हैं। वैसे बुल्ली कुत्ता एक बेहतरीन डॉग ब्रीड है, अगर आप लोग इसे परचेज करते हो ना तो आप लोगों का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि भाई काफी इंटेलिजेंट होते हैं, फैमिलीज के लिए काफी प्रोडक्टिव होते हैं एंड बहुत ही वफादार भी। बस ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि आप लोग इन्हें कम स्पेस में यानी छोटे घरों में ना रखें, जहाँ पर ये कंफर्टेबली ना रह सके, क्योंकि बड़ी साइज की डॉग ब्रीड है तो भाई स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिएगा। आप लोगों के पास बड़ा सा घर है बहुत अच्छी बात है, फार्म हाउस पे रखना चाहते हो उससे भी बड़ी बात है, और अगर आप लोग घर के आसपास भाई काफी खुला एरिया ना तो सबसे बेस्ट है। एनीवेज गाइस, अगर इस बुल्ली कुत्ता की एज के बारे में बात करें तो ये 3.5 महीने के आसपास हो चुका है, कंप्लीट वैक्सीनेटेड है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है जम्मू से। लेकिन गाइस, आप लोगों को इसे परचेज करने के लिए डायरेक्ट ओनर को विजिट ही करना पड़ेगा, डिलीवरी का ऑप्शन आप लोगों को यहां पर नहीं मिल पाएगा। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई ओनर ने जो इस डॉग के प्राइस की डिमांड की ना वो किया 25,000 पीस यानी 25,000 रुपए। लेकिन डोंट वरी गाइस, प्राइस फिक्स नहीं है, एटलीस्ट आप लोगों को एक बार कॉन्टेक्ट करके जरूर कंफर्म करना चाहिए, क्या पता प्राइस कितना कम हो जाए आप लोगों के बजट में आ जाए। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके तो जरूर जाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।